Auf. जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आज हम जाने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जो कि श्रीनगर में है, और उसके बाद जाएंगे श्रीनगर में एक हरी पर्वत पर एक मस्त वाला फोर्ट है, किला है जो कि बहुत पुराना है, अकबर के टाइम का है, और उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हम बढ़ चले हैं और ये है डल लेक, एकदम मस्त वाला व्यू। अभी मौसम खुल गया है, धूप भी निकली है और ऊपर बादल है, सामने पर्वत है और ये बहुत खूबसूरत है। बहुत ही मतलब इसके बारे में मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। शाम को टहलना, दोपहर में टहलना, ये बहुत खूबसूरत शहर है रियली। ये देखिए, यहाँ रुक के हम कर रहे हैं थोड़ा सा फ़ोटो सेशन, क्योंकि इस व्यू को देखने के बाद आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपका रुकने का मन जरूर करेगा। फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं डल लेक पे, और तब हम आए थे ठंड के टाइम, तब कुछ भी व्यू नहीं दिखा था क्योंकि काफ़ी फॉग हो रखा था। अभी बहुत अच्छा दिख रहा है, सनलाइट भी है और बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। ये देखिए, पीछे रोड भी है, पीछे पहाड़ हैं। अभी सुबह बारिश हुई थी तो बादल भी दिख रहे हैं पहाड़ के ऊपर, सब कुछ दिख रहा है। और शायद आपको पता नहीं होगा कि डल लेक के बाजू में जिस रोड से हम चल रहे हैं इसको बोलते हैं गुपकार रोड, और इस पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पे जो अभी एक पार्टी बनी है उसका नाम भी गुपकार है। तो गाइस, यहाँ भी हम ट्यूलिप गार्डन आ चुके हैं, बहुत भीड़ है। तो ये देखिए, पार्किंग में ही इतनी भीड़ है, अभी अंदर भी जाना है। देखिए, हमने यहाँ पार्किंग लगाई है और सब में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे भी। जैकेट ले चले वरना कोई ले जाएगा ना। यहाँ वो गार्डन है, पीछे पहाड़ है। तो यहाँ से हमने ले लिया टिकट, दो लोगों की 25, अब हम जा रहे हैं अंदर। नहीं, दो लोगों की 50 है, पर हेड 25 है। तो ये देखिए, हम आए हैं एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। ये ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल में स्थित है। 2007 में इसका निर्माण किया गया था। 80 से ज़्यादा यहाँ पौधों की प्रजातियाँ हैं। आप पानी की बोतल लेके नहीं आ सकते, आपकी वाटर बोतल जमा हो जाएगी। तो ऐसा ही आना है, मस्त घूमना है, गंदगी नहीं फैलानी है, क्योंकि बहुत सुंदर गार्डन है। चलिए, अब आपको घुमाती हूँ। 2007 में जब इसे ओपन किया गया था तो फूलों की खेती के साथ साथ पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। अब ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और ये पूरा जबरवान रेंज में स्थित है। ये पहाड़ों का नाम ही जबरवान है। लगभग 30 हेक्टेयर यानी कि 74 एकड़ में फैला ये गार्डन। यहाँ आपको 80 तरह की फूलों की प्रजातियाँ मिलेंगी जो कि देश विदेश से मंगाई जाती हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया, उनकी कटिंग भी एकदम शेप में है तो वो बहुत मनमोहक है। ये देखिए, ये पेड़ थोड़ा मुझे अलग टाइप का लगा, ये सच में थोड़ा अलग ही है, डिफरेंट है। ये नीचे से इसका बहुत चौड़ा तना है, मानो बहुत बड़ा पेड़ है, और नीचे कोई भी इसमें वो नहीं है, ऊपर एकदम गुच्छे के समान लग रहा है ये। और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, मतलब एकदम सीनरी के जैसा नहीं होता है वैसे ये फ्लॉस लग रहे हैं। और वो देखिए, सामने फाउंटेन भी चल रहा है, और ये घास उगी है। थोड़ा भीड़ भी रस भी दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि सीजन का टाइम है। गार्डन में बहुत ज़्यादा रस था इसलिए अब हमने ऑलमोस्ट घूम लिया। अब हम जा रहे हैं निषाद बाग, वहाँ भी फ्लॉस की काफ़ी सारी वेराइटी मिलने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं। और हम निकले ये ट्यूलिप गार्डन से वापस। ये देखिए, गाड़ियों की कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा रश है, एकदम सीजन का टाइम है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ मैंने श्रीनगर में पहले नहीं देखी। और ये देखिए, फिर डल लेक से हम जा रहे हैं निषाद बाग, जो कि एक मुग़ल गार्डन है और मुग़ल के टाइम पर राजा शाहजहाँ ने उसे बनाया था, तो वहीं घूमने वाले हैं। यहाँ का मौसम हो रहा है ख़राब। और टिकट लेने के बाद हम करते हैं निषाद बाग में एंट्री। इस गार्डन में आपको गुलाब की हर एक वैरायटी, हर एक कलर का फ्लावर्स आपको मिलेगा। ये बहुत खूबसूरत गार्डन है। इसके बारे में छोटी सी कहानी है कि जब 1633 में नूरजहाँ के बड़े भाई आसफ खान ने इसे बनवाया था तो शाहजहाँ बार बार उसकी प्रशंसा करता था कि वो उसे गिफ्ट दे देगा, उपहार के तौर पे दे देगा,
क्योंकि नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब से जो शाहजहां है वो आसफ खां से ईर्ष्या करने लगा। तो ये थी इसके बारे में छोटी सी कहानी। वही सही आते जो तुम लोग रख के करती हो, नेचुरल पोज में होना चाहिए। हाँ। मेरी तरफ ना देखो आप। हाँ भाई। तो ये देखिए वाइट फ्लास्क कितने खूबसूरत हैं। निषाद बाग घूमने के बाद हम बैठे हैं डल लेक के किनारे, भुट्टे का आनंद लेते हुए, ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और अब हम जाएंगे हरी पर्वत फोर्ट। तो हम निकल लिए हैं हरी पर्वत फोर्ट के लिए, जो कि एक अफगान जो एक शासक था उसने बनवाया था। तो वहीं जाने की तैयारी है। यहाँ पे काफ़ी कमरस दिख रहा है, लोग यहाँ कम घूमने आते हैं, पता नहीं क्यों। अब मैं भी फर्स्ट टाइम वो फोर्ट जा रही हूँ, तो देखते हैं कैसा है। तो आप भी बने रहिए ब्लॉग में एंड। और पूरा यहाँ पे CRPF की सिक्योरिटी है, तो कुछ देर मोबाइल कैमरा बंद करना पड़ेगा। और ये हम हो चले फोर्ट में एंटर। काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी ऊंचाई पर भी है, तो देखना पड़ेगा कहाँ पे है। पूरा CRPF के अंडर में है ये, यहाँ की सिक्योरिटी CRPF देखती है। सीधा रास्ता फोर्ट को जाता है, लेकिन हम राइट टर्न होगा, यहाँ पे देवी जी का मंदिर है, तो उसके दर्शन करेंगे फिर हम ऊपर बढ़ेंगे। तो चलिए चलते देखते हैं कि वहाँ कौन सी देवी जी का मंदिर है। आ गया मंदिर, तो पहले मंदिर के दर्शन करेंगे फिर ऊपर फोर्ट जाएंगे। तकड़ी वाली चेकिंग है यहाँ पे। और हम पहुंच गए मंदिर, और ये सामने दिख रहा है श्रीनगर का व्यू। और हम आगे बढ़ते हैं माता के दर्शन के लिए। और यहाँ पे माता जी की है बहुत बड़ी मूर्ति, ये देखिए बहुत बड़ी है। और कहते हैं कि जब यहाँ ये बन रहा था तभी ये मूर्ति जमीन से निकली थी, तभी माता स्थापित है। बोलते हैं माता रक्षा करती है। ये श्रीनगर है, ये डल लेक दिख रही है सामने। पहाड़ के ऊपर इतना ज्यादा चढ़ाई करके अब ऊपर जा रहे हैं बहुत ऊंचाई पे, कि आपको नीचे पूरा श्रीनगर दिख रहा है। ये गाइस पैदल तो ये है किले का पहला दरवाजा। और देखिए सिक्योरिटी के लिए कितनी बड़ी खील लगाई जाती थी पहले के टाइम पे। और ये बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचा है, एक पहाड़ के बराबर। अभी हम चढ़ाई कर चुके, अभी और करते जा रहे, लेकिन ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। ये लकड़ी का दरवाजा मजबूत। लगभग 1808 में जो अफगानी गवर्नर था अट्टा मोहम्मद, उसने इसे बनवाया था। और मजबूती देखिए, लोहा भी ज्यों का त्यों है, लकड़ी बस थोड़ी टूटी फूटी है, बाकी दरवाजा भी बकायदा लगा है, कड़ी भी लगी है उसमें। और ये अब आगे जाकर हमें मिला किले का तीसरा दरवाजा, गेट बोलना चाहिए। ये देखिए इसमें भी बकायदा लोहा ज्यों का त्यों लगा है, इसमें ये कीलें निकली हुई हैं ताकि बाहर से कोई आए और इसमें वो चुभ जाए और खूना खच हो जाए और वो वहीं मर जाए। मतलब पहले के लोग कितनी व्यवस्था करके रखते थे किले वगैरह की। आप जाइएगा तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा कितनी मजबूती है लकड़ी में भी, और लोहा तो अभी भी ज्यों का त्यों है, लकड़ी भी अभी लगी हुई है, दीमक भी नहीं लगी उस लकड़ी में। और वो देखिए हमारा तिरंगा, इसे अभी हाल ही में 2021 में लगाया गया है। और यहाँ से देखिए व्यू, देखिए किले का। और ये देखिए ये चौथा दरवाजा, यहाँ अफगानी एक गवर्नर ने बनवाया था, और वहाँ उर्दू में कुछ कुछ लिखा हुआ है। मजबूती देखिए इनकी, खतरनाक वाली। और जैसे ही हम चढ़े हमें दिखा अपना प्यारा तिरंगा, जो कि हाल ही में 2021 में लगाया गया है। और इस किले की खास बात ये क्या है कि यहाँ आपको मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी और गुरुद्वारा भी है। मस्जिद थोड़ा नीचे है, और लेकिन अभी हम मंदिर सबसे ऊपर के भाग में हैं जहाँ पे आपको मंदिर दिखेगा। और ये देखिए हम एंटर हो रहे हैं, और जस्ट हमारे बाजू में मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं, लेकिन बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ये देखिए ये मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और वहाँ सामने गुरुद्वारा है। किले की हिस्ट्री की तरफ चलें तो 1808 में जो अफगानी गवर्नर था अट्टा मोहम्मद ने इसे बनवाया, लेकिन फिर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया कश्मीर से लेकर लाहौर तक। फिर उसकी मृत्यु के बाद इसे अर्रा दुरानी ने बनवाया, फिर अफगानों का शासन हो गया। फिर 1586 में होती है अकबर की एंट्री, तो अकबर आक्रमण करता है कश्मीर पर मुगल राज्य की स्थापना के लिए, और फिर वो इसका निर्माण और पूरा करवाता है, किले की घेराबंदी करवाता है। ये यहाँ पूरी हिस्ट्री लिखी गई है उसी के बारे में,
लेकिन ये जो तिरंगा है ये लगाया गया है 2021 में। आज़ादी के 75 साल यानी कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था। यहाँ लिखा भी हुआ है, राष्ट्र की शांति और समृद्धि के लिए ये 2021 में देश को समर्पित। और अब हम जाते हैं किले के ऊपर का नज़ारा देखने। बोलते हैं कि यहाँ से श्रीनगर के चारों साइड का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो वहीं हम देखने जा रहे हैं और किला भी थोड़ा घूमेंगे कि क्या क्या इसको खास खास अकबर ने कैसी घेराबंदी इसकी करवाई थी। और ये देखिए वहाँ कुछ ऊपर लोग चढ़ के देख रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी जान ज़्यादा प्यारी है इसलिए मैं उस पर चढ़ के श्रीनगर का व्यू नहीं देखना चाहती। ये हमारा तिरंगा है और ये सामने आपको दूर से श्रीनगर का व्यू दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ, अब देखिए किले का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और ये देखिए बना है बीच में बंकर और इसमें छोटे छोटे नीचे ऊपर होल है ताकि यहाँ से आप देख सकें, अगर नीचे से कोई आक्रमण करता है तो वो आपको इन होलों के से दिख सके, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर भी बने हैं, अगर कोई सामने के पर्वत से भी हमला करता है तो भी दिखेगा, नीचे से आता है तो भी दिखेगा। मतलब कितना दिमाग लगा के लोग उस टाइम पे ये किले वगैरह बनाते थे। ये उस समय के बंकर हैं इनके और इतनी मजबूत स्थिति में है कि बताइए 1808 में इसका निर्माण हुआ था और ये अभी 2023 चल रहा है। और ये देखिए पूरा ज्यों का त्यों है, लकड़ी मतलब इनफैक्ट लकड़ी में भी दीमक नहीं है इसकी। मतलब देखिए इस किले को लगभग 200 साल से तो ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी इसकी मजबूती बहुत मजबूत है। पत्थरों से बना हुआ है लेकिन बहुत ही मजबूत है। और ये देखिए ये दूसरा बंकर है, ये हमने पहला बंकर देखा था और ये सामने दिख रहा है श्रीनगर का व्यू, पर्वत वगैरह, और ये दूसरा बंकर है। मतलब फुल व्यवस्था से बनाया गया था कि कहीं से भी कोई आक्रमण करता है तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जा सके। चलिए अब दूसरे बंकर को देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ थोड़े बड़ी बड़ी खिड़की हैं, मतलब यहाँ से बैठ के आप निहार भी सकते हैं। मतलब कोई रानी वगैरह होगी तो यहाँ बैठ के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेती होगी। ये देखिए और तिरंगे के साथ हम उतरते हैं नीचे। वापस जाने की तैयारी भी है क्योंकि 5 से 6 बजे के बीच में से कर दिया जाता है पब्लिक के लिए बंद। और ये देखिए ये किले की है लंबी दैलान। अब मेरे यहाँ तो इसको दैलान ही बोलते हैं, आपकी भाषा है पता नहीं क्या बोलते हैं। हमने फोर्ट भी ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा घुमा ही दिया है। अब हम वापस जाने की तैयारी में है क्योंकि अभी बहुत देर तक नीचे भी उतरना है, तो करीब 1.5 घंटा 1 घंटा लग जाएगा। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा लाल चौक। लाल चौक पर कुछ करेंगे शॉपिंग। पिछली बार तो मैंने आपको लाल चौक घुमाई होगा, दिसंबर में एक ब्लॉग बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप देखिएगा जरूर, क्योंकि वो ब्लॉग बहुत अच्छा था। मतलब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले का ब्लॉग है, उस टाइम का कश्मीर। और हालांकि अब तो बहुत सुरक्षित है, आप आराम से आ सकते हैं, यहाँ घूम भी सकते। तो गाइज अभी हम आ गए लाल चौक पे और यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो पीछे जो पिछली बार हमने देखा था उसमें भी थोड़ा चेंजेस है और इधर रोड भी बन रही है अभी। ये देखिए यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, ये देखिए खुदाई पड़ी है, उधर भी कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। तो गाइज लाल चौक में चल रहा था बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम, इसलिए रोड साइड जो साइड मार्केट लगता है वो लगा हुआ नहीं था, इसलिए अब हम वापस आ गए क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और कल सुबह जल्दी हमें निकलना भी है। और वो देखिए जो आपको ये सामने बस दिख रही है वो ऊपर से ओपन है, मतलब उसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एकदम मस्त वाले बॉलीवुड गाने चल रहे हैं, उछल रहे हैं, घूम रहे हैं। डल लेक के बाजू से ये चल रही है और बहुत अच्छी बस है, मुझे बहुत पसंद आई, मेरे भी बहुत मन है इसमें बैठने का लेकिन मैं नहीं बैठ ही पाई उसमें। पर कोई नहीं, अगली बार कभी जब श्रीनगर आना होगा तब इस बस में मैं ज़रूर बैठूंगी। तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम पर, काफ़ी रात हो चुकी है, 9 से 10 बज गया होगा। और गाइज हम पहुंच गए अपने रूम पर और कल सुबह हमें जल्दी निकलना होगा क्योंकि उस रोड पर NH5 पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और जम्मू पहुँचने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। तो अब काफ़ी टायर्ड फील हो रहा है और अब हम सोने की तैयारी में हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।